डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास सिक्स का मैथ है, क्लास सिक्स मैथ्स चैप्टर वन है, एक्सरसाइज 1.3। ये चैप्टर वन का लास्ट एक्सरसाइज है, तो दो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दे चुका हूँ और एक्सरसाइज आज हम लोग इसको खत्म करेंगे और ये चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है एस्टिमेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको मैं 5 क्लास से पहले भी बता चुका हूँ एस्टिमेटेड क्वेश्चन वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वन नंबर में ये एस्टिमेट इच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, सामान्य रूल को उपयोग करते हुए इसको बनाना है। तो वन नंबर में यहाँ पे वन नंबर ए नंबर में इसमें हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे 730 और ये इतना दिया हुआ प्लस करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ में करना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको राउंड ऑफ 730 इक्वल टू, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 700 जो है वो 700 या 800 इसमें रहेगा, तो ये 700 जो है वो 700 में रहेगा, 800 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 है। अगर 50 होता या उससे ज़्यादा होता तो वो चला जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा 700, तो इसको हम लोग 700 लिख लेते हैं और फिर राउंड ऑफ कितना दिया हुआ है 998। तो 998 का हो जाएगा और 900 तो ये 1000 के नज़दीक में है, तो ये हो जाएगा 1000, तो ये 1000 हो गया और इसको करने के लिए बोला है प्लस, ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं इसको, ये हो गया 0071। इसका मतलब है कि 1700 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। बी नंबर में 796 इक्वल टू हो जाएगा 796, इसका मतलब है कि ये 700 या 800, तो ये 800 के नज़दीक है, 96 यहाँ दिया हुआ है तो ये हो गया 800, यहाँ पे 800 और ये है राउंड ऑफ 314, तो ये हो जाएगा, तो 300 या 400, तो ये 300 के नज़दीक है, 14 है तो यहाँ हो जाएगा 300 और इसको करना है माइनस, तो यहाँ 0 हुआ, ये 0 और ये 5, ये इसका आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, सी पे आते हैं, इसका राउंड ऑफ लिख लेते हैं, सब में राउंड ऑफ दिया हुआ है तो राउंड ऑफ पहले करना होगा और फर्स्ट में दिया हुआ है 12,904, तो इसका क्या हो जाएगा 12,900, तो ये 12,000 जो है यहाँ से 13,000 हो जाएगा, 13,000, तो इसको 13,000 डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया और राउंड ऑफ दिया हुआ है 2,888, तो 2,800 मतलब 500 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि ये 3,000 हो जाएगा, ये 3,000 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस दिया हुआ है तो प्लस करते हैं, तो 0003 और यहाँ पे हो गया 336 हो गया और ये 1,16,000, ये जो है इसका आंसर यहाँ हो जाएगा 16,000। क्वेश्चन नंबर डी, तो डी में ये हो गया राउंड ऑफ, ये दिया हुआ 28,292, राउंड ऑफ 28,292 का ये जो है 28 होगा या 29 होगा, तो ये 200 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 29 पे नहीं जाएगा, यहाँ 500 या प्लस रहता तो ये 29 चला जाता, ये 28 रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग 28 लिख लेते हैं, 28,000 और ये 21 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी ये 22 नहीं जाएगा, 24 मतलब 400 है, 500 से नीचे है तो ये चला जाएगा 21 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 और इसको करना है माइनस, तो यहाँ 0,0,0 और ये 7 हो गया और यहाँ पे कट गया, मतलब है 7,000, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और इसमें ध्यान देना है कि गिव रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, यहाँ ध्यान रखना है नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, यहाँ पे दो तरह से बनाने के लिए कहा गया है, नियरेस्ट 100 में और नियरेस्ट 10 में, तो इसको हम लोग दो तरह से बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और सबसे पहले ए नंबर लेते हैं, ए नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 439, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 439 को, 439 हो गया और 334 और
ये है 4317। इसको 100 नियरेस्ट 100 में इसको पहले हम लोग बनाते हैं, इसको दो बार बनाना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट हो जाएगा 4000 है और 39 है, इसका मतलब हो जाएगा ये 400 हो गया, 400, और ये 334 है तो इसका हो जाएगा 300। तो 100 एस्टिमेटेड, तो यहाँ पे जो है 317 है तो यहाँ 300 ही रहेगा और आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा और 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्लस करने के लिए दिया गया है तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 0 हो गया और ये 10 हो गया, 6 और 10 तो 0 हो गया, 1 बच गया और यहाँ पे 5। तो 100 के एस्टिमेट में ये आंसर आएगा, एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा जो टेंस एस्टिमेट करेंगे हम लोग टेंस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 39, तो यहाँ 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 440 और यहाँ पे 34 है तो इसका मतलब है कि 30 हो जाएगा, 330 और यहाँ पे 17 है तो ये 20 हो जाएगा, तो 4320 ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं ऐड, 0 हो गया, यहाँ पे 4729 और यहाँ पे 10 हो गया, फिर 0 और यहाँ पे 5, तो एक आंसर ये हो जाएगा। दो आंसर इसका दिया हुआ है, एक 100 एस्टिमेट का और एक 10 एस्टिमेट का, तो ये हो गया। उसके बाद बी नंबर में सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, ये 1 करने के लिए दिया हुआ है। तो 100 एस्टिमेट मतलब यहाँ पे लेना है, तो इसके पीछे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 34 है, इसका मतलब है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 700 ही रह जाएगा, तो ये हो गया 108 लिखते हैं और 700 ये हो जाएगा। और इसमें जो है यहाँ पे तो मतलब ये 600 हो जाएगा क्योंकि 99 यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया 47600 ये हो गया। इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 7 में 1 तो 6 तो 1 हो गया और यहाँ पे 8 7 1 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा 100 एस्टिमेटेड का। और उसके बाद जो है इसको 10 एस्टिमेटेड में इसी को सेम करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 34 है तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 10 हो गया, 108 हो गया और यहाँ पे 599 है तो ये 600 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम वही नंबर रहेगा, 10 का एस्टिमेट भी ये वही रहेगा। तो यहाँ पे नंबर लिखते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं, 0 हो गया, फिर यहाँ 3 1 और फिर 1 और फिर यहाँ 6, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 10 एस्टिमेटेड का, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, ये हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 83 एस्टिमेट और इसका एस्टिमेट निकालने के बाद 100 का एस्टिमेट निकालेंगे, यहाँ तक 300 है तो यहाँ पे हो जाएगा 300 ही रह जाएगा और 91 है मतलब ये 91 मतलब 500 हो जाएगा, तो यहाँ पे 83 100 हो जाएगा और यहाँ पे 500, तो करना है माइनस, ये है 0 हो गया, 0 हो गया और ये 13 में से 5 तो 8 हो गया और यहाँ पे 7 7800 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 100 एस्टिमेट में। और 10 एस्टिमेट में या 25 30 जा सकता है, मतलब 83 और 30 हो जाएगा, इतना हो गया। और ये तो यहाँ पे हमको चेंज करना है, ये 1 है तो इसका मतलब है कि 90 ही रहेगा, 490 ये हो गया। तो इसको माइनस करते हैं, 0 हो गया, 13 में से 9 4 और ये हो गया 12 हो गया, तो 8 हो गया और यहाँ पे 7 मतलब 78 140, ये 10 एस्टिमेट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में डी नंबर इसका बचा हुआ है, तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे डी। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, माइनस दिया हुआ है इसमें, तो 4 का एस्टिमेट करते हैं, तो यहाँ 300 तो यहाँ पे 48 दिया हुआ है, 50 अगर होता तो ये 4 चला जाता लेकिन यहाँ नहीं जाने वाला है, 300 रहेगा और इसमें 300 50 से ज़्यादा है इसका मतलब 400 ये जाएगा, तो यहाँ पे ये जो पहले है उसको लिख देते हैं 489 और यहाँ पे 300 ही रहेगा, 300 लिख देते हैं और यहाँ पे 48 हो गया और ये 400 जाएगा, तो यहाँ पे इसको 400 ले गया, करना है माइनस, तो 0 हो गया, फिर 0 हो गया और 13 में से 4 9 हो गया, फिर यहाँ पे 8 बच गया, तो 8 में से 0 तो 0 हो गया और यहाँ पे 8 में से 4 और ये 4 ये हो गया इसका आंसर। और इसको हम लोग 10 का एस्टिमेट भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो 10 का एस्टिमेट में क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है 8 है 48 है तो यहाँ 50 हो जाएगा
और यहाँ पे 65 है तो यहाँ 70 हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम वही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे 50 और यहाँ पे 70 कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 48 हो गया। अब इसको करते हैं माइनस, यहाँ पे 0 हो गया, 15 7 8 हो गया, और यहाँ 2 बच गया, 2 में 2 12 हो गया, 12 में से 3 तो 9 हो गया, 9 3 12, और यहाँ 8 तो ये 0, और फिर यहाँ पे 4 और फिर 4, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया 10 एस्टिमेट का। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट जो बचा हुआ है इसको कंप्लीट करेंगे और ये खत्म होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल, सामान्य नियम को अपनाते हुए इसको बनाना है। तो 3 नंबर ए नंबर में इसका पहले क्वेश्चन लिखते हैं और इसका एस्टिमेट, तो ये हो जाएगा 578। तो 578 मतलब 600 के ये नज़दीक में है, तो ये 600 लेते हैं, और यहाँ पे 161 मतलब ये जो है 50 से आगे है, तो 200 हो जाएगा, 200। तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इस डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 2 12 हो गया, और इस पे जो है 1 2 3 4 4 0 लगा देना है, बन गया। इस तरह का मैंने आपको 5 क्लास पे बतलाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है जीरो वाला, और एस्टिमेट का भी क्वेश्चन मैंने उसमें बताया है, डिटेल में बताया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बी नंबर में बी तो क्या दिया हुआ है, 52 है, और इसका उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 52 है, तो ये आगे जाने वाला नहीं है क्योंकि एक्चुअली 200 है, कुछ नज़दीक में रहता तो चला जाता, लेकिन ये है 52, तो यहाँ पे 5000 चला जाएगा, 5000, और ये 3491 है, ये काफ़ी क्लोज है, ये 3500 चला जाएगा, 3500। तो इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसके आंसर आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद उतना जीरो बैठा देंगे, 35 हो गया, और ये 5 तो 5 5 25 हो गया, और 2 बची गया, 5 3 15, और 2 17 हो गया, 175 हो गया, तो 175 पे 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट बचा हुआ है सी नंबर, नहीं इसमें भी 4 क्वेश्चन है, तो सी नंबर लेते हैं, सी में 1291 हो गया, और ये 592 592, तो इसका एस्टिमेट जनरल में क्या हो जाएगा, ये 1200 है और 91, तो ये 1200 होगा या 1300 होगा, तो 91 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 1300 हो गया, और ये 592 इसका मतलब 500 या 600, तो ये 500 नहीं, ये 92 दिया हुआ है, इसका मतलब 600 हो गया। तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 13 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 13 6 जा 78, तो इसका 78 पे 1 2 3 4 4 0 आ जाएगा, तो इसको 40 लगा देते हैं इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद लास्ट में डी नंबर में आएंगे हम लोग, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है डी, तो 9250 हो गया। फर्स्ट में जो है 90 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो इसके वजह से ये आगे बढ़ रहा है, ये 9000 होगा या 10000 होगा, तो यहाँ पे ये 10000, क्योंकि यहाँ 9 दिया हुआ है इसलिए ये 10000 में जाएगा, 10000, और ये 29 मतलब ये 30 के नज़दीक में है, तो यहाँ पे हो गया 30, ये हो गया मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 हो गया, और इसमें 1 2 यहाँ 4 है, वहाँ यहाँ पे 1 है, मतलब 50 1 2 3 4 5 और 4 5, ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 1.3 कंप्लीट हो जाता है। अगर किस तरह का प्रॉब्लम हो, किस तरह का डाउट हो, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।